Alibaba.com से सामान मंगवाना है भाई। देखो कोई भी छोटा मोटा बिजनेसमैन है ना, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो स्टार्ट करने से पहले ही सोच लेता है कि मुझे Alibaba.com यानी चाइना वगैरह से मुझे सामान मंगवाना है। बट थोड़ा मुश्किल नहीं, मैं बोलूँगा थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल होता है Alibaba से सामान मंगवाना। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा इस चीज़ों को समझिए। Alibaba से सामान मंगवाने हर कोई सोच लेता है Alibaba से सामान मंगवाना, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, बहुत रियली में थोड़ा डिफिकल्ट तो है लेकिन बहुत ईजी भी नहीं है। बट आप तरीके से काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक ज़रूर आप मानिएगा। और आप अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट में दीजिए। और अगर आप कभी भी सामान मंगवाए हैं या फिर मंगवाने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके मुझे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मैं आपको हर रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मैं ये बोला था कि Alibaba से सामान मंगाने का ऐसा है कि हर लोग 4-5 प्रोडक्ट बेच के लेते हैं, सोचते हैं कि हम Alibaba से सामान मंगवा लें। क्या यह सही मेथड्स है Alibaba से आपको सामान मंगवाने का? जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बहुत टाइम से बिजनेस करते हैं, उनको लोकल इंडिया में जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, तो उनको Alibaba से मंगवाते हैं। बहुत लोग कर रहे हैं बिजनेस, और अगर आप भी कुछ इस तरह का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो रियली में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। थोड़ा देखिएगा, कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन बहुत मज़ा आने वाला, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको दूंगा। यहाँ पे क्या होता है, Alibaba जैसे कि आपको इंडिया में बहुत सारे बिजनेस टू बिजनेस जिसको B2B बोलते हैं उसका एक पोर्टल है, जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया और भी कई सारे हैं जो पॉपुलर है, उसकी बात बताया हूँ। उसी तरह चाइना के जो पोर्टल हैं अली एक्सप्रेस, जो कि B2C में डील करते हैं, और B2B के लिए है Alibaba। इंडिया में B2C के लिए बहुत सारे पोर्टल है, Amazon, Flipkart, Snapdeal, मेरे भी वेबसाइट है itnasasta.com, like that something। तो B2B की हम आज बात कर रहे हैं क्योंकि Alibaba.com जो है वो B2B पोर्टल है, B2C पोर्टल नहीं है। आप डायरेक्टली ऐड टू कार्ट का ऑप्शन जो आके और पेमेंट करते हैं वैसा नहीं है, बट कुछ उसी तरह का B2C का ही, लेकिन कुछ उस तरह का पार्ट है कि आप जो भी सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं उनसे आपका उनके प्रोडक्ट को कार्ट में डाल के आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट बैंक जो भी है आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे एक समस्या आती है कि क्या आप पेमेंट करते हैं तो सप्लायर आपको प्रोडक्ट घर पे भेज देते हैं? क्या वही प्रोडक्ट भेजते हैं जो आपने ऑर्डर किया? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, इसलिए आपको एक चैट बॉक्स भी दिया जाता है जिससे आप चैट करके पूछते हैं। कई बार आप लोग सैंपल भी मंगवा लेते हैं, सैंपल आने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अपने इंडियन कस्टम में, अदरवाइज इतना बहुत इजी मेथड्स होता है वहाँ से सामान मंगवाना। क्योंकि सामान में इंडिया में आने के बाद वो अटक जाता है, एक सामान सैंपल मंगवाता हूँ तब भी अटक जाता है कई बार। तो B2C पोर्टल बहुत सारे वेबसाइटें हैं, जैसे गियर वेस्ट वगैरह है, अली एक्सप्रेस, बहुत सारी ऐसी चाइनीज़ वेबसाइट है जहाँ पे छोटे मोटे अगर पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाते हैं तो कोई प्रोडक्ट कस्टम में टकता नहीं है, बहुत इजीली वे में आ जाता है। कुछ प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे ड्रोन मंगवाएंगे वहाँ आपका कस्टम में अटक जाएगा, गिम्बल मंगवाएंगे, गिम्बल जो होता है स्मार्टफोन को लगा के उसमें भी देखा हूँ मैं अटक जाता है, या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप मंगवाएंगे जो कि सिक्योरिटी दृष्टिकोण से सेफ नहीं है, वो सारा प्रोडक्ट है आपको कस्टम में अटक जाएगा, आपको एक घर पे नोटिस आएगी, चिट्ठी आएगी। मैंने पहले भी कई सारे कस्टम पे वीडियोस वगैरह बनाए हैं तो वो सब अलग में अटकते हैं। अब बात आती है कि सामान मंगवाए कैसे, क्या वो सामान मंगवाना ज़रूरी है? क्या वो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं है? अगर है तो प्राइस प्रोडक्ट का क्या बहुत ज़्यादा है? तो एक चीज़ बता दें कि Alibaba में जो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप जिस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट का प्राइस इंडिया में Alibaba की जो साइट पर प्रोडक्ट की प्राइस दिख रही है उससे सस्ता मिल जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सोचोगे कि मैं थोड़ा पागल हूँ, थोड़ा सा बोल सकते हो, थोड़ा सा तो जरूर आप ऐसा सोच सकते हो, कोई बात नहीं, नीचे कमेंट भी कर सकते हो, गालियाँ भी दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह बात बहुत सही है। मैंने ये वीडियो बहुत सोच के बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि ये चीज़ मैंने मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला, क्योंकि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि Alibaba में अगर कोई प्रोडक्ट 500 का बिक रहा है, ये इंडिया में वो 450 या फिर 400 या 440 का कैसे बिक रहा है? इंडिया में लोग ना सिर्फ प्रोडक्ट बिजनेस नहीं करते, वो बहुत सोचते भी, बहुत दिमाग भी लगाते, और एक से एक दिग्गज बैठे दिमाग लगाने वाले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, चेन्नई वगैरह में। क्योंकि जो प्रोडक्ट चाइना में ऑलरेडी महंगा बिक रहा है उसको इंडिया में सस्ता लाते हैं, आप सोचोगे कि मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए कॉस्ट जो सेविंग मेथड्स है, कॉस्ट कटिंग करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हमने देखा, 2-4 मेथड्स, उसमें सबसे अच्छा और पॉपुलर मेथड्स ये देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग चाइना से प्रोडक्ट जो मंगाते हैं, छोटे मोटे आइटम, बहुत बड़े आइटम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसके पैकेजिंग मटेरियल नहीं मंगवाते हैं। तो जो नॉर्मली एक सपोज़ ये माउस है, अगर इसको मंगवा रहे हैं, ये इतने बड़ा बॉक्स में अगर पैकिंग होकर आता है जिसकी कुछ वॉल्यूमेट्रिक वेट हो जाती है, तो जहाँ पे एक कार्टन में 100 पीस अटेगा, अगर उसको बिना बॉक्स का मंगवाएंगे तो ये कम से कम 500 पीस अट जाएगा। तो उतना ही बड़ा वॉल्यूमेट्रिक वेट में 500 पीस आ जाएगा, और बॉक्स अगर इंडिया में लोकल छपवा लेते हैं तो क्या होगा, बॉक्स का कॉस्ट भी वहाँ आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो आपको बच जाएगा,
लाने में जो वेट वगैरह है उसमें भी आपको फायदा हो जाएगा कि 100 पीस के प्राइस में जो शिपिंग कॉस्ट है, कस्टम क्लियरेंस वगैरह जो भी है, उसमें 500 पीस का आपका आ जाएगा और इंडिया में आप बॉक्स छपा लेंगे तो आपको अभी आसान पड़ेगा। तो एक तो मैंने मेथड्स बताए, एक ये तरीका है कॉस्ट शेविंग करने का, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, लोकल बॉक्स छपाते हैं और पैकिंग वैकिंग यहाँ करवा लेते हैं और बिल्कुल चाइना पैक माल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं अलीबाबा से तो आप कैसे खरीदें। देखिए, एक दो ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं, अलीबाबा को डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं और आपको DHL FedEx के थ्रू आएगा। लेकिन DHL FedEx के थ्रू मंगवाएंगे तो 90% चांस, 90 नहीं बोलूँगा 95% चांस है कि कस्टम में माल अटकेगा ही अटकेगा और वो आपको कस्टम ड्यूटी लगेगा। कोशिश करें कि जो स्पीड पोस्ट होता है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट जो होता है, चाइना पार्सल जो चाइना पोस्ट एयर होता है, उसके थ्रू मंगवाएंगे तो शायद आपको अटकने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है। आई थिंक 30-40% संभावना है कि अटकेगा, लेकिन 70-80% संभावना है कि आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है, 30-40 दिन भी लग जाते हैं, तो थोड़ा वो टाइम टेकन होता है। बट अगर आप बिजनेस पर्पज से मंगवाना चाहते हैं तो आप बिना एजेंट के थ्रू नहीं मंगवाएं, क्योंकि एजेंट को मतलब एजेंट के पास से ना काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत सारे ऑर्डर्स को एक बार में प्रोसेस करता है, बहुत सारे क्लाइंट को डील करता है, तो वो आपको एक अच्छा मेथड्स होगा। क्योंकि अगर आप खुद मंगवाएंगे, आप नया भी है ना, आप एक्सपर्ट भी होंगे, फिर भी माल कई बार फंस जाता है, क्योंकि कस्टमर भी ऑफिसर चेंज होते रहते हैं, जिन ऑफिसर से जिस आपको आपकी जो बात बनी है वो आपका फुलफिल होगा कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार जो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट आपके होते हैं तो वो एजेंट लोग भी कई बार आपको हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवा भी देंगे, नहीं हो तो कुछ अरेंज भी वो लोग करते हैं, पता नहीं, ये बात आपको यहाँ नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी आप एक बार एजेंट से मिले तो वो लोग कई हेल्प करते हैं। मेरे पास कोई एजेंट वगैरह का नंबर है नहीं, जो है मेरा पर्सनल यूज़ के लिए मैं वही यूज़ करता हूँ। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं तो मैं आपको फर्स्ट यही बात बोलूँगा कि आप पहले इंडिया में ट्राई करें, प्राइस आपको डेफिनेटली मिलेगा और कितना कम मिलेगा, जो अलीबाबा के रेट का जो प्राइस आपको दिख रहा है उतना प्राइस तक आप डिमांड करें, एटलीस्ट उतना आप करें, उससे तो कम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो खरीद रेट में मंगवाएगा वो तो उस रेट में बेचेगा नहीं, थोड़ा प्रॉफिट तो वो भी रखेगा, तो एटलीस्ट जो प्राइस दिख रहा है उस पर आप डिमांड करें कि मुझे उस प्राइस में चाहिए, तो मैक्सिमम जो डाउन प्राइस होगा, कम प्राइस होगा, उसका एक आपका आइडिया लगता है और इंडिया से इंडिया में खरीदना कितना ईजी है वो आपको पता है। तो गाइस, वीडियो आई थिंक थोड़ा लंबा हो रहा है, 5-7 मिनट का हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। आने वाले कुछ टाइम में मैं इसके ऊपर मैं आपको और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे अलीबाबा से माल खरीदते हैं, कितने दिन में आ जाएगा, अगर प्रोडक्ट पर BIS आइटम है तो वो कैसे मंगवाए, ना है तो कैसे मंगवाए, किस किस प्रोडक्ट को मंगाना ईजी होगा, सेफ होगा, फास्ट होगा, बहुत सारी बातें हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जरूर पता चलेगा और बेल आइकन को भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, आने वाली सभी वीडियोज़ आप देखते रहिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। काम करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, मैं आपको और डिटेल्स बारे में इसके बारे में बताऊंगा, तब तक के लिए बाय।